अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज का जो जॉब अपडेट करूँगा ये बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि ये जो आज का जॉब है ये सुपरमार्केट का जॉब है, ठीक है। सऊदी के अंदर एक सुपरमार्केट है, बिंदाउद सुपरमार्केट, बहुत बड़ी सुपरमार्केट है ये, ठीक है। और ये समझ लो कि एक गवर्नमेंटेड सुपरमार्केट है, सऊदी का सबसे पहला सुपरमार्केट यही है। तो इसके अंदर क्या क्या कैटेगरी है, मतलब क्या क्या बंदे चाहिए इसमें, और सैलरी क्या होगा, पासपोर्ट कौन सा चाहिए, रिटर्न चाहिए, फ्रेश चाहिए, उम्र कितना चलेगा, और मुस्लिम चाहिए या नॉन मुस्लिम चाहिए, ये सारा डिटेल मैंने बताने वाला हूँ। हम पहले ही आपको क्लियर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो जॉब होगा ये मक्का, मदीना और जिद्दा, तीन ही जगह रहना है, मक्का, मदीना, जिद्दा। ये सऊदी के अंदर ये तीन ही जगह ही ज़्यादा इसका सुपर मार्केट है। तो जो मुस्लिम होगा उसको मक्का या मदीना में कंपनी डालेगी, और जो नॉन मुस्लिम है वो जिद्दा में रहेगा। जिद्दा और मक्का का दूरी 60 से 70 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस टाइप का जॉब सर्च कर रहे हो तो वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि मक्का मदीना का जॉब जो है बहुत नसीब वालों को मिलता है। और उसके बाद में इसका जो जॉब है ना, जब पूरा आप समझ लोगे, वीडियो को भगाना नहीं है, पूरी वीडियो देख लेना है, 5-6 मिनट आपका लूँगा। अगर पूरा वीडियो देख के और पूरी बात को दिमाग पे बिठा के अच्छे से समझ के फिर अपने जॉब को जिस तरीक़ा से बताऊँगा उस तरीक़ा से डॉक्यूमेंट रेडी करके और फिर कॉन्टेक्ट करोगे, अप्लाई करोगे जॉब को, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। और आपको इसमें जॉब अप्लाई करने के लिए मैं नंबर इसी वीडियो में दूंगा, तो इस कंपनी में जाने के लिए आपको इसी नंबर पर ही डॉक्यूमेंट भेजना है, और किस तरीका से भेजना है सारा चीज़ बताऊंगा। आपको फ़ोन नहीं करना है और ना व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये पूछना है कि ये काम है कि नहीं है, वो काम है कि नहीं है। दूसरी बात बता दूँ कि बहुत सारा जो कंपनी वाले बहुत सारे बंदे जो होते हैं वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं, और उसके बाद में व्हाट्सअप नंबर लेके बस खाली व्हाट्सअप पे फ़ोन करेंगे और मैसेज करेंगे, फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, वही चीज़ पूछने के लिए जो चीज़ मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो उनको समझ में जब तक आता नहीं है, जब तक, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता हमारे पास में हर किसी को रिप्ले करना या फ़ोन पे वैकेंसी के बारे में बताना, डिटेल इतना टाइम अपने पास नहीं होता है। इसी की वजह से मैं इसका वीडियो बनाता हूँ कि एक वीडियो अच्छे डिटेल में पूरा बता के और डाल दूँ कि कोई भी आदमी देखे, सब समझ ले, फिर अपने अपने जॉब को उस हिसाब से प्रोसेस करे, ठीक है। तो आप लोग मैसेज करते, फ़ोन करते रह जाते हो, और जब तक चीज़ समझ में आता है फिर वही काम करोगे आप दोबारा से, और जब तक वैकेंसी खत्म हो जाता है। तो हमारा कहने मतलब है, अगर आप मक्का, मदीना, जिद्दा में जॉब सर्च कर रहे हो और सुपरमार्केट में जाने के लिए चाह रहे हो, तो ये जॉब आपके लिए बहुत खास होगा। बस वीडियो को समझो अच्छे से डिटेल में, और फिर उसी हिसाब से आपको जॉब अप्लाई करना है। 200 बंदा का रिक्वायरमेंट है, वकाल वीज़ा एकदम से रेडी है, ठीक है। कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं देना है आपको, ठीक है। वीज़ा लगने के बाद ही आपको पेमेंट देना है, और सऊदी का सारा काम ऑनलाइन है, कोई भी सऊदी के काम में आपको फ्रॉड नहीं कर सकता है, ठीक। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से एक चीज़ और क्लियर करते चलूँ कि अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, यूजर आईडी इधर आ रहा है। वीडियो खत्म होने के बाद में आप क्लिक करके लिंक पे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए। अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, सेम व्हाट्सअप पे ऐसा टेलीग्राम भी है। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको डेली नया नया अच्छे से अच्छा बड़ी से बड़ी कंपनी का जॉब अपडेट मिलेगा, ठीक। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मैं नहीं डाल पाता हूँ, यूट्यूब पे एक ही वीडियो डालना बहुत मुश्किल होता है, और मेरे पास में जॉब का जो वैकेंसी है बहुत सारा रहता है, दिन भर में 4-5 कंपनी का वैकेंसी आता रहता है। तो कुछ जो यहाँ पे मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पाता हूँ वो टेलीग्राम पे मैं अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो आपको वहाँ डिमांड लेटर के साथ में मिलेगा। और अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज़ कर पाते हो, नहीं पता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको जो कम्युनिटी वाले पेज है चैनल का हमारा, तो कभी भी जब यूट्यूब पे आइए तो कम्युनिटी पेज जरूर विजिट करिए। कम्युनिटी पेज विजिट करेंगे तो उसमें आपको डिमांड लेटर मिलेगा, जो भी बंदे जा रहे हैं, फ्लाइट हो रहा है, टिकट हो रहा है, जो भी नया जॉब के बारे में अपडेट है, वो सारा चीज़ मैं कम्युनिटी पेज में अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लेते हैं अभी स्टार्ट। सऊदी के अंदर एक सुपरमार्केट का नाम है बिंदाउद सुपरमार्केट, ठीक है, बिंदाउद सुपरमार्केट। इसके अंदर 200 बंदे का रिक्वायरमेंट है, ट्रॉली बॉय और क्लीनर। और इसके अंदर जो उम्र है आपके पासपोर्ट के हिसाब से, उम्र 22 कंप्लीट हो और लास्ट 35 तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूटी 8 घंटा है, 8 घंटे के बाद में 3 घंटा डेली ओवर टाइम है, हफ्ते दिन छुट्टी है, और उसके बाद में छुट्टी दिन काम करोगे तो अलग ओवर टाइम मिलेगा, और रूम, इकामा, मेडिकल कार्ड, इंश्योरेंस, ये सारा जितना भी फैसिलिटी होती है सब कुछ कंपनी। इसमें बहुत सारे बंदे ये सोच रहे होंगे कि यार ओवर टाइम कोई ज़रूरी है, मिले ना मिले, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये जो सुपरमार्केट है इसमें 3 घंटा डेली ओवर टाइम करना है, वो फिक्स है, ठीक। क्योंकि ओवर टाइम का सिस्टम ऐसा होता है, 1 घंटा ओवर टाइम करो
तो 1.5 घंटा का कंपनी पैसा देती है, यानी अगर डेली 10 घंटा ड्यूटी कर रहे हो तो तुम्हारा 3 घंटा ओवर टाइम बनेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारा 3 घंटे का कितना पैसे बनेगा, तो जो आपका सैलरी होता है उसी हिसाब से आप हिसाब कर लीजिए कि 1 घंटे का हमारा कितना सैलरी बन रहा है, उसी हिसाब से अपना काउंट कर लीजिए। इसके अंदर सैलरी कम से कम 1800 से 2000 रियाल कहीं नहीं जाता है, कहीं गिरे हालत में अगर कमाओगे तो उतना मिलेगा। प्लस इसके अंदर टिप्स अच्छा मिलता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सुपर मार्केट है। इसके अंदर जो शॉपिंग करने आते हैं सब सऊदी पैसे वाले आते हैं, तो जैसे सामान वामान खरीदते हैं तो उसके बाद में उनका सामान वामान ले जाके उनके गाड़ी में रखा दो ट्रॉली में रख के, तो वो 10 रियाल 20 रियाल ऐसा हदिया भी देते हैं, ठीक है। तो यही कंपनी का ये काम है। और इसके अंदर चाहिए इसको ट्रॉली बॉय और क्लीनर, ठीक है। तो ट्रॉली बॉय जो है उसका सैलरी 300 है प्लस टिप्स है, और जो क्लीनर है उसका सैलरी 1000 है, ठीक है। खाना आपको उसी में रहेगा, ड्यूटी 8 घंटा होगा, बाकी खाने के लिए ऐसा कंपनी होता है रूम दे देता है, और रूम देगा और गैस चूल्हा बर्तन हंडी पतीली जितना भी होता है गैस वैस सब कुछ देता है, फ्रिज व्रिज सब। बस जैसा एक रूम में 2 आदमी 3 आदमी रहते हैं तो आपस में बनाते खाते हैं, ठीक है। और ये बेसिक सैलरी है, और इसके अंदर ओवर टाइम और टिप्स ये सब मिला के 2000 कहीं नहीं जाएगा। ट्रॉली बॉय का जो बहुत से बंदे सोचते होंगे यार 300 रुपये में क्या आदमी काम करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ भाई कि मुझे सारा सिस्टम पता है, ठीक है। सऊदी के अंदर जैसा मस्जिद अल हराम है मक्का और मदीना, उसमें जो क्लीनिंग का काम करते हैं, जो साफ़ सफाई का काम करते हैं, आपको पता होगा कि अब तो सैलरी ठीक है, लेकिन 4-5 साल पहले 2012 से पहले जितना भी बंदे जाते थे उनका सैलरी कितना होता था मालूम है? 250 और 300, बस इससे ज़्यादा नहीं होता था। और सऊदी के अंदर जो बल्दिया होता है, जो अपने इंडिया के अंदर म्यूनसिपालिटी बोलते हैं, बल्दिया में जो काम वाम करते हैं, जो रोड पे साफ सफाई करते हैं, उनसे आप पूछ लीजिए कि उनका क्या सैलरी होता है, 250 300 से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक। और इनसे जब महीने का पूछो कि कितना कमाते हैं, अब मस्जिद अल हराम में जो बंदे काम करते हैं क्लीनिंग का, उनका एक बंदे का नॉर्मल टाइम पे 5-6 से 6 हज़ार रियाल कहीं नहीं जाता है, ठीक है। और हज और रमजान के अंदर तो समझ लो साल भर का पूरा पैसे निकल जाता है, इतना पैसे ऊपर से मिलता है, ठीक है। तो कुछ काम ऐसा होता है ना, कुछ कंपनी ऐसा होता है कि ऊपर से ज़्यादा बेनिफिट होता है। और अगर आदमी बड़ी कंपनी में जा रहा है तो वो ये ना देखे, बहुत से बोलते हैं भैया 300 रियाल, अब इसमें बहुत से आप कमेंट भी करेंगे कि भाई 300 में तो क्या होगा, आप 300 में क्या होगा, ये बुरा और भला सोचने से और रिप्ले करने से यहाँ पे आप एक काम करिए, सीधा सऊदी के अंदर अगर कोई आपका दोस्त यार होगा तो उसको फ़ोन करिए, उसको बोलो कि भाई बिंदावत सुपरमार्केट कहीं है, वहाँ थोड़ा मेरे खातिर चले जाओ, जो भी आदमी काम करते हैं उनसे थोड़ा ये पता कर लो कि भैया ट्रॉली बॉय में कोई आदमी इस पर काम कर रहा है तो ट्रॉली बॉय का क्या सैलरी मिलता है और इसमें ऊपर से क्या फ़ायदा होता है, तो आपको सब कुछ क्लियर बता देगा आदमी, ठीक है। तो यही कहता हूँ कि कुछ काम होता है ना, कि मतलब बहुत से आदमी दिमाग अपना अपना लगाते हैं, क्योंकि हमको सारा चीज़ एक्सपीरियंस है भाई, मुझे पता है। तो अगर ये काम में जाते हो ट्रॉली बॉय में चले जाओ और या क्लीनर में चले जाओ, क्लीनर में 1000 मिलेगा लेकिन अच्छा खासा सर्विस में कमाई होता है, क्योंकि ये जो कंपनी है सुपरमार्केट बिंदाऊ, ये बहुत बड़ी बिंदाऊ कंपनी है मेरे भाई। इसके अंदर जो है छोटा मोटा आदमी पैसे वाला, नॉर्मल पैसे वाला नहीं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो शेख लोग होते हैं ना, वो जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर ऊपर से बहुत अच्छा हदिया मिलता है, टिप्स, ठीक है। तो अच्छा खासा सैलरी उठ सकता है। तो अगर आप जाना चाह रहे हो तो ये बहुत अच्छा चांस है, इसमें आप बेशक जा सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपका पासपोर्ट फर्स्ट क्लास पेज, पासपोर्ट साइज का फोटो, वैक्सीन का रिपोर्ट और एक CV चाहिए। CV के अंदर प्रोफेशन लिखा हो, अगर आपको क्लीनर भी जाना है तो क्लीनर लिखना है, ट्रॉली बॉय में जाना है तो प्रोफेशन ट्रॉली बॉय लिखना है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट कोई भी मोबाइल से फोटो नहीं खींचना है और ना ही डॉक्यूमेंट उल्टा सीधा भेजना है। पहले आराम से अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके कोई कंप्यूटर की दुकान पर जाइए, वहाँ से डॉक्यूमेंट स्कैन कराइए, CV अच्छे से बनाइए, एक फॉर्मेट फाइल बना के और उसके बाद में मोबाइल के अंदर अपना डाल लीजिए। उसके बाद में एक आपको वीडियो बनाना है, ठीक। वीडियो में आपको बोलना है मेरा नाम ये है और मैं इंडिया में यहाँ से रहने वाला हूँ और मैं सऊदी अरब में जा रहा हूँ बिंदास सुपरमार्केट में, मेरा सैलरी क्लीनर के काम में, अगर क्लीनर में जा रहा हूँ तो क्लीनर बोलना है, ट्रॉली बॉय में जाना है तो ट्रॉली बॉय बोलना है, अगर क्लीनर में जाना है तो मैं क्लीनर के काम में जा रहा हूँ, मेरा सैलरी 1000 है और मैं और इस काम में मैं जाने के लिए एग्री हूँ। और अगर आप ट्रॉली बॉय में जा रहे हो तो ये बोलना है कि मैं ट्रॉली बॉय के काम में जा रहा हूँ, मेरा 300 सैलरी है और मैं इस काम में जाने के लिए एग्री हूँ। ऐसा वीडियो के साथ में अपना दिए गए डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर दिया हो इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज करना है कि मैंने बिंदास वाला वैकेंसी देखा हूँ
और इसमें मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। आपका डॉक्यूमेंट आएगा, सब कुछ जैसा बताया उस हिसाब से ओके है, तो आपको सीधा रिप्लाई जाएगा कि इसमें जाने के लिए इतना खर्चा जाएगा। ठीक, आप ओके बोलते हो, तुरंत आपको वीजा नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट जाके मेडिकल कराइए। मेडिकल फिट होने के बाद बता दीजिए, हम मेडिकल कर लिए हैं, मेडिकल फिट हो गया हूँ। ठीक, उसके बाद में तुरंत आपको ऑफिस एड्रेस मिल जाएगा, आप डायरेक्ट आके अपने ऑफिस से डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं, या तो बाय कोरियर भी भेज सकते हैं। कोई भी पैसे जमा करने की जरूरत नहीं है, वीजा लगेगा, कॉपी दे जाएगा, चेक करिए सब ओके है, टिकट होगा, फ्लाइट होगा, यह सारा प्रोसेस है। तो अगर आपको जाना है तो जिस तरीके से बताया उसी हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके उसके बाद में कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है, और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को अच्छा लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ एक क्लिक कर दीजिए। मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, मेरा बस खाली एक ही ड्रीम है कि इंडिया के अंदर जो भी बंदे जॉब नहीं कर रहे हैं, जॉब के तलाश में हैं, हम उनको सबको जॉब दिला के रहूँगा, ड्यूटी लगा के रहूँगा, काम करवा के रहूँगा। ठीक है, हमारा यही ड्रीम है। बाकी का फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।